बिहार में शराब बंद है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं लोग चुपके चुपके से लिटिल लिटिल पैग मार लेते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने ड्रोन को काम पर लगाया। 60 लाख रुपए की कीमत वाले ड्रोन से शराब के ठिकानों और शराबियों को पता लगाने के लिए काम पर लगा दिया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब शराब खोजने निकला ड्रोन खुद ही गायब हो गया। पटना सूरा ड्रोन सारण में लापता हो गया। ड्रोन के लापता होने पर लोग मजे ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शराब खोजने निकले ड्रोन कहीं शराब के नशे में टुन तो नहीं पड़ा है। अब पब्लिक अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ड्रोन की तलाश हो रही है और ये ड्रोन पटना से ही मद्य निषेध विभाग के कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता था। 4 मई से कंट्रोल रूम का संपर्क टूट गया है। ड्रोन लापता होने के बाद पुलिस और मद्य निषेध की टीम उसे खोज रही है। हवाई जहाज की तरह दिखने वाला ये ड्रोन शराब कारोबारियों को भ्रमित कर देता था। इसकी बनावट ऐसी थी कि शराब बेचने और बनाने वाले इसे हवाई जहाज समझ बैठते थे। लेकिन ड्रोन पर बढ़िया वाला कैमरा लगा था जो दूर से ही तस्वीर कैप्चर कर लेता था और पुलिस प्रशासन को शराब बेचने वालों की तस्वीर भेज देता था। लेकिन अब ड्रोन खुद ही लापता हो गया है। स्थानीय पुलिस इसकी खोज कर रही है। साथ ही ऐलान किया गया है कि जो भी इस ड्रोन के बारे में जानकारी देगा उसे सरकार की तरफ से उचित इनाम दिया जाएगा। अब देखना यह है कि 60 लाख रुपए की कीमत वाला ये ड्रोन मिल पाता है या नहीं। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।